हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेला ले लिया है। देख सकते हैं करेला बिल्कुल ताज़ा है और छोटा वाला करेला है। अब इसका हम करेला फ्राई बनाएंगे। यहाँ पर मैंने करेले को अच्छे तरह से धोकर ले लिया है। अब इसे हम काट लेंगे। करेले को काटने के लिए सबसे पहले इसका जो ऊपर और नीचे का जो पार्ट है उसको हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं करेला बिल्कुल फ्रेश है, कितनी बड़ी बड़ी डंठल है इसमें। चलिए अब हम इसे काट लें। इस तरह से हम इसका ऊपर और नीचे का भाग हटा देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं करेले को हाफ हाफ मैंने इस तरह से कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। देख सकते, इसी तरह से सारे करेले को हम काट कर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं करेले को मैंने काट लिया है, साथ ही मैंने दो प्याज को भी काट लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करेले को। अभी सिर्फ मैंने करेले को डाला है, प्याज थोड़ी देर बाद डालेंगे जब करेला 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है यहाँ पर। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अभी यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने करेले को फ्राई कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, साथ ही साथ कटी हुई प्याज। प्याज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्याज लेंगे तो करेले की जो करवाहट रहती है वो खाते वक्त आपको कम लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। तो करेला फ्राई में सिर्फ हम हल्दी और नमक ही डालेंगे और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। बीच बीच में चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे करेले को। अब करेले को देखकर लग रहा है कि करेला फ्राई हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। अभी 1 से 2 मिनट के लिए और हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं करेले का रंग बदल गया है। करेला और प्याज दोनों अच्छे तरह से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर रही हूँ। करेला फ्राई रेडी है। आप भी इसे अपने घर में बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।